और जैसा 30 का पहाड़ा 4 पड़ते तो कितना आ जाता है, 120 ऐसा आता ना, क्योंकि यहाँ एक क्या करना है, हमें हासिल ले लेना है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि इसका पहाड़ा हम पढ़ लिए थे, यहाँ 0 भी लिख सकते हैं। और बाद में उनको ये जो साइन होता है काटने का, उसको आप बाद में बताइएगा, पहले क्योंकि इसका पहाड़ा पढ़ लिए तो उसके नीचे क्या लिख दीजिए, शून्य लिख दीजिए, क्योंकि हम ईचाई का पहाड़ा पढ़ लिए थे। अब हम क्योंकि दहाई का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, दहाई से लिखना शुरू करेंगे, 3 चौके 12, 3 3 9, फिर 1 10, फिर 1 हासिल हो गया, 3 2 6 और 1 7, ठीक है। मान लीजिए यहाँ एक संख्या और आ गया, 2 आ गया, तो अब क्या करेंगे, क्योंकि अब ये सैकड़ा है, तो हमने क्या किया, ईसाई का भी पहाड़ा पढ़ लिया, दहाई का भी पढ़ लिया, तो अब हम जो पढ़ेंगे सैकड़ा का पढ़ेंगे, 2 चौके 8, तो उसको हम कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, और ये क्या है, हजार है, क्योंकि हम सैकड़ा का पहाड़ा पढ़ना शुरू किए हैं, तो उसको कहाँ से लिखेंगे, सैकड़ा से लिखना शुरू करेंगे। स्पष्ट है मैडम? इसमें सर निवेदन रहेगा, एक बार और आप इसको थोड़ा धीरे से समझा दें, कुछ लोग बाद में जुड़े हैं। अच्छा, ठीक ठीक है सर, एक बार और बता देते हैं। बच्चों को जब गुणा आ जाता है, उसके बाद का ये प्रक्रिया है, क्योंकि आप सीधे उनको इतने बड़े डिजिट के जो क्वेश्चन होते हैं वो हल नहीं कराते हैं, ठीक है। उनको पहले आप जो धीरे से सिखाना शुरू किए थे कि बार बार जोड़ना कहलाता है गुणा, 1 अंक में आए, फिर 2 अंक में आए, फिर 3 अंक में आए, अब नीचे में अभी तक 1 ही अंक में थे, अब नीचे में भी कितना आ गया, 2 अंक आ गया, क्योंकि अब बच्चा गुणा करना सीख गया है। तो अब हम बच्चों को ये बताएंगे, गुणा हमेशा इकाई की ओर से किया जाता है, तो यहाँ किसका पहाड़ा पढ़ना, जैसे पहले पढ़ते थे जब 2 नहीं था तो बच्चे पढ़ने सीख गए, इसको बनाना सीख गए, उनको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दिया गया है, उन्हें बंडल बनाकर दिखा दिया गया है, तो अब बच्चे बंडल बनाकर गुणा नहीं कर रहे हैं, अब वो पहाड़ा पढ़ के हल कर रहे हैं, तभी उनके बाद हम उसको क्या करते हैं, बड़े अंकों का सवाल देते हैं। तो बच्चा जब 4 का पहाड़ा पढ़ेगा, कितना बार पढ़ेगा, 4 बार पढ़ेगा, मतलब अब ये भी बता सकते हैं कि 4 इकाई कितना बार लेना है, 4 बार लेना, तो 16 आता है, 16 आता है तो 6 लिखते हैं और 1 क्या बना देते हैं, बंडल बन जाता है 16 में, 1 दहाई का, फिर 4 तिया क्या हो जाता है, 12, और 12 और 1 क्या हो जाता है, 13, 13 दहाई का बंडल बन गया। तो दहाई के बंडल में 13 में 1 सैकड़ा हो जाता है, क्योंकि 10 जैसे हुआ, 10 को अलग कर लिए तो वो सैकड़ा किधर आ गया, इधर आ गया, और 4 दुनिया 8, और ये क्या हो गया ना, या तो 2 सैकड़ा को 4 बार लिया जाए तो 8 हो जाएगा, और 1 बंडल हमारे पहले से था तो 9 हो गया, क्योंकि अभी हम इकाई का पहाड़ा पढ़ लिए। अब मान लीजिए दहाई में भी कोई अंक है, ठीक है, तो क्योंकि हम इकाई का पहाड़ा पढ़ लिए, तो इकाई का पहाड़ा पढ़ लिए इसीलिए अब वहां से नहीं लिखेंगे, उसके नीचे क्या लिख देते हैं, शून्य लिख देते हैं। अब हम किसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 3 किसमें है, दहाई में है, तो जो उत्तर हमारा आएगा उसको हम किसके नीचे लिखना शुरू करेंगे, ये इकाई है, ये दहाई है, और ये क्या है, सैकड़ा, तो जो उत्तर हमारा आएगा उसको हम कहाँ लिखेंगे, दहाई का पहाड़ा पढ़ेंगे, दहाई के नीचे से लिखना शुरू करेंगे, 3 चौके 12, तो यहाँ 2 लिखेंगे, 1 हासिल हो जाएगा, 3 3 9 और 1 10 हो गया, फिर 1 हासिल हो गया, 3 2 6 और 1 क्या हो गया, 7 हो गया। अब इसको क्या करना है, हमें जोड़ देना है, मान लीजिए 1 अंक और है, क्या लिखा हुआ है, 5, क्योंकि हम इकाई का पहाड़ा पढ़ लिए, हम दहाई का भी पहाड़ा पढ़ लिए, तो अब हमको पढ़ना सैकड़ा का, तो जो उत्तर हमारा आएगा वो कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से, जब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, फिर 5 का 3, फिर 5 का 2 बार पढ़ेंगे और यहाँ लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे, क्योंकि पहाड़ा उसी क्रम में पढ़ रहे हैं जैसे पहली बार सिखा दिया गया था, जैसे 4 का पहाड़ा पढ़ना सिखाया गया था, कि 4 का पहाड़ा ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, बंडल बनाकर दिखाया गया था, उसी तरह ये सब भी पहाड़ा पढ़ा जाता है, बस उन्हें लिखने में जो गलती होती है उसे सब समझाना है, कि जिसका इकाई का पहाड़ पढ़ लीजिए आप तो इकाई से लिखना शुरू किए, दहाई का पढ़ेंगे तो दहाई से लिखेंगे, सैकड़ा का पढ़ेंगे तो सैकड़ा से लिखेंगे, नीचे का बात करते हैं ना, जो नीचे में है ये जैसे 534 है, तो इसकी बात ऐसी होती है, तो ऐसे में बच्चों को क्या हो जाएगा, फिर अभ्यास कराइए तो उनको समझ में आ जाएगा, इसमें बार बार आपको बंडल और वो बनाने की आवश्यकता नहीं है, और तब भी बच्चा नहीं सीख रहा है तो उससे शुरू से जाइए, और जैसा बताया गया शुरुआत में जैसा बताया गया था वैसे जाइए, तो उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है मैडम?
जी सर। बहुत अच्छे से आपने बताया सर, और मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि स्थानिक मान का जो कॉन्सेप्ट है, स्थानिक मान की जो अवधारणा है, वो बच्चों में स्पष्ट रहनी चाहिए। तो इकाई का जब हमने गुणा का कार्यक्रम पूरा कर लिया तो इकाई के नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम दहाई की ओर बढ़ चुके हैं और दहाई का गुणा का की संक्रिया कर रहे हैं तो उसको दहाई के स्थान के नीचे ही लिखना चाहिए। अगर इस तरीके से हम चलेंगे और उनके बंडल के साथ जोड़कर प्रयास करेंगे और बताएंगे तो निश्चित ही बच्चों को लाभ होगा और हमें भी आगे चलकर सहजता होगी उन्हें सिखाने पढ़ाने में। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपके मन में और सवाल होगा तो बिल्कुल लिया जाएगा लास्ट में, क्योंकि अब भाग बचा है तो थोड़ा सा भाग बता दिया जाए आप लोगों को। तो देखिए, जैसे हमारे पास कंचा रखा हुआ है, आप भाग जब बच्चों को सिखाते हैं, भाग जब सिखाते हैं तो निश्चित भाग मतलब क्या होता है, बांटना होता है, बराबर बराबर बांटना होता है, या तो बार बार क्या करना है, कम करना होता है बच्चों को। कभी आप स्कूल में चॉकलेट बांट रहे हैं तो क्या होता है, पैकेट लाते हैं चॉकलेट का तो बच्चों को दे देते हैं कि बांटो, तो बच्चा बांट लेता है। या तो दो भाई बहन हैं और मम्मी ने कुछ लड्डूए दे दिए एक बहन को दे दी और बहन को बोली भाई को दे देना, अगर उस मम्मी ने चार लड्डू दिए तो वो आराम से बांट लेंगे कि दो मेरा और दो उसका। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप, मैंने जो शुरू में बताया कि गुणा सिखाना है या भाग सिखाना है, चाहे जोड़ सिखाना है चाहे घटाव सिखाना है, बच्चों को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है कि बच्चों को क्या आता है, वहीं से आप शुरुआत कीजिए। तो निश्चित रूप से बच्चों को क्या आता है, बांटना आता है। जैसे ये कंचा रखा हुआ है, इसको गिनते हैं कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 1, 12। यहाँ 12 कंचा है, कंचे हैं, 12 कंचे हैं, ठीक है। अब 12 कंचे हैं, चाहे कितना भी कंचा ले सकते हैं, ठीक है। तीन बच्चों को बुलाए सामने में, तीन बच्चों को सामने बुलाते हैं, ये बच्चे नहीं हमारे पास तो हम सर्कल कर देते हैं। अब इन तीन बच्चों को ये कंचा क्या करना है, बांटना है, क्योंकि हमारे पास 12 तो इसे हमें बांटने की आवश्यकता नहीं होगी। ये अगर बच्चों को दे दिया जाए तो बच्चे इसको आराम से बांट सकते हैं, या नहीं सकेंगे, सभी बच्चे सक जाएंगे इसको बांटने। तो बच्चे कैसे बांटते हैं कि एक यहाँ एक इसको दिए, अगर दो बट रहा तो दो भी बांट सकते हैं, एक इसको दिए तीन लोग को, फिर एक इसको दिए क्योंकि और बढ़ जाएगा, फिर एक इसको दिए, एक इसको दिए और बढ़ सकता है, तो फिर एक इसको दिए, एक इसको दिए, एक इसको दिए, क्योंकि अब हमारे तीन कंचे बचे हैं और व्यक्ति भी तीन है तो निश्चित बच्चे आराम से बांट लेंगे कि सबको एक एक मिल जाएगा। और तो यहाँ आपको इस पर दिख रहा है, ये काम हम लोगों को करने की आवश्यकता है नहीं, ये काम बच्चे कर लेंगे कि 12 कंचा अगर दिए और तीन व्यक्ति को दिए देना है तो बच्चे आराम से बांट लेंगे। अब फिर पूछेंगे बच्चों से कि बताओ एक जन को कितना मिला, एक व्यक्ति को, एक बच्चे को कितना मिला, तो बच्चे अपने अपने कंचा गिन के बता देंगे कि एक बच्चे को कितना मिला, 4 मिला। देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो इसका ये मतलब हुआ कि 12 में से 12 कंचा को तीन लोगों में अगर बांटा जाए तो एक बच्चे को कितना मिल रहा है, 4 कंचा मिल रहा है। स्पष्ट उन्हें दिखाई पड़ रहा है, इसमें भाग की आवश्यकता ही नहीं, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं कि हम भाग कर रहे हैं, बस बच्चों को बांटना आता है। तो बांटने की जो प्रक्रिया है उसी से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट शुरू से क्लियर करते हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि हम क्या किए, क्या किए भाग इसमें, इसमें हम किए कि जैसे 12 कंचा था, 12 कंचा था तो उसमें से तीन तीन कंचा क्या किए कम, क्योंकि तीन लोग हैं और 12 कंचा है तो एक बार में कितना कम होता है, 1, 2, 3, एक बार में कितना कम होता है, 3 कंचा कम हो जाता है, 12 में से 3 कम हो जाता है, फिर दूसरी बार में भी 3 कम हो जाता है, तीसरी बार में भी 3 कम हो जाएगा। तो इस तरह का ये जो प्रक्रिया है ये आगे बढ़ते जाता है और 4 बार में पूरा कंचा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि बार बार क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कि संख्या से बार बार एक ही संख्या को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तीन व्यक्ति हैं तो तीन को बार बार कम कर रहे हैं, 4 रहते हैं तो 4-4 कम करते हैं। अब हम आगे ये देखते हैं, जैसे हमारे पास क्या था, 12 कंचा था और हमारे पास कितने व्यक्ति थे,
तीन व्यक्ति थे, उनको हम क्या कर रहे थे, 12 कंचा को उसमें हम क्या करते थे, दे रहे थे। तो यही मतलब होता है, मतलब कम कर रहे थे, 12 कंचा में 3-3 कंचा हम क्या कर रहे थे, बार बार निकाल ले रहे थे। 12 कंचा में 3 कंचा हम बार बार क्या कर रहे थे, निकाल रहे थे, जब तक वो कंचा क्या हो गया, खत्म नहीं हो गया। तो इसका यही मतलब हो रहा है, देखिए कि 12 कंचा में बार बार क्या करना है, घटाना है, कितना घटाना है, 3, 12 में बार बार क्या घटाना है, 3। इसी को क्या कहते हैं, इस चीन को क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। भाग का मतलब ही होता है बार बार घटाना, ये घटाना का चिन्ह है। तो बार बार क्या करना, घटाना, जितना लिखा रहेगा उतना घटाना, ठीक है। तो घटा के देखते हैं, 12 में बार बार क्या घटाते हैं, 3 घटाते हैं, तो कितना आ गया यहाँ, 12 से दिख रहा है, क्योंकि कंचा से अगर कम किया जाए तो कंचा से अगर निकाल के दिखाएंगे, जैसे 3 कम कर देंगे 12 में से, तो कितना बचेगा, 2, 3, 4, 6, देखिए जैसे ये 12 कंचा है, इससे हम 3 कम करेंगे पहले, तो कितना बच गया, 9 बच गया। अब 9 बच गया, अब 9 से फिर क्या करेंगे हम, 3 कम करेंगे, 3 कम करेंगे तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। फिर 6 में से क्या कम करेंगे, 3 कम करेंगे, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब 3 बचा है, फिर 3 से 3 कम करेंगे तो क्या बच जाएगा, 0। मतलब पूरा कंचा क्या हो गया, बच गया। और कितने बार में बचा, देखिए 1, 2, 3, 4, कितने बार में बटा, 4। या तो एक व्यक्ति को कितना मिला, 4 मिला, तो क्या लिख दिए, 4। तो अब देखिए धीरे धीरे हम बच्चे को बताएंगे कि 12 को अगर 3 लोगों में बांटेंगे तो कितना मिलेगा एक बच्चे को, एक बच्चे को कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, भाग कहते हैं। बार बार कम करना या बार बार घटाना ही क्या कहलाता है, भाग। मान लीजिए 20 है, 20 कंचे आपके पास, 5 बच्चे हैं, तो 20 कंचे को 5 बच्चों में बांटने को दे दीजिए, बच्चे बांट के बता देंगे कि एक बच्चे को कितना मिला। 15 कंचे हैं, 5 बच्चे हैं, तो 15 कंचे को 5 लोगों में बांटने बोल दीजिए, बच्चे अपने से बांट लेंगे। तब जब उनको समझ में आ जाएगा कि बार बार घटा रहे हैं, क्योंकि दिखता भी कम होते जाता है, तो घटाना ही होता है, कम करना मतलब घटाना होना है, बार बार घटा रहे हैं हम एक ही संख्या। तो फिर उसके घटाने के बाद जितना बार में घटता है, वो उसका क्या रहता है, भागफल रहता है, वही उसका उत्तर रहता है। या तो इससे से पता चलता है कि उस व्यक्ति को कितना कंचा या लड्डू मिले होंगे। तो ये था शुरुआत करना भाग का। इसके बाद जो बड़ी संख्या होती है उनको फिर पहाड़ा के माध्यम से सिखाते हैं, उसकी बात बताता हूँ। ये समझ में आ गया, या कोई सवाल है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ये सब गतिविधि बच्चों के माध्यम से ही कराया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और बच्चे इसमें इंटरेस्टिंग भी इंटरेस्ट होता है उनको, और वो अच्छे से आसानी से कर लेते हैं, बहुत इंटरेस्टेड होते हैं बच्चे इसमें। तो ये सब गतिविधि सीख जाने के बाद बच्चे को ये भी बता सकते हैं। अब देखिए गतिविधि के साथ सिखाने का फायदा क्या होता है, आप जैसे ये क्या कह सकते हैं कि 12 को हमको किससे भाग करना है, 3 से भाग करना है, मतलब 12 कंचे को इतने लोग में बांटना है, 3 लोगों में बांटना है। अभी हम इसको बांटेंगे नहीं, अब इसको क्या करेंगे, पहाड़ा के माध्यम से करते हैं। चलिए, क्योंकि 12 कंचे हैं, 3 है, मतलब हमें 3 का पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है, मतलब 3 लोगों में बांटना है, और कितना लाना है, 12 लाना है। पढ़ के देखिए पहाड़ा कि कितने बार में 12 आता है 3 का पहाड़ा पढ़ने से, तो 3 × 3, 3 × 2, 6, 3 × 9, 3 × 4, 12। तो कितना बार में आया, 12। अगर बच्चे को पहाड़ा लिख के दिखा देंगे तो और अच्छा है, तो स्पष्ट उसमें दिख भी रहा है क्या है, 1, 2, 3, 4 बार में क्या आ गया, 12। या तो ये भी बच्चे से पूछ सकते हैं कि 3 का पहाड़ा में 12 कितने बार में आता है, तो स्पष्ट इसमें दिख रहा है 3 का पहाड़ा में 12 कितने बार में आया है, 4 बार में आया है। तो
धीरे धीरे अभ्यास कराते कराते उनको ये स्पष्ट हो जाता है, उनको समझ में आ जाता है कि हम जब पहाड़ा पढ़ते हैं और जितने बार में वो आता है वही उसका क्या रहता है, भास्कर रहता है। और इसको शुरुआत करना है, एक दो दिन इसी तरह अभ्यास कराना है, उनको बांटने को देना है और ऐसा संख्या पे देना है कि जो ना बटे। अगर आप जैसे आगे का शेषफल की जो बात है, वो बच्चे उसको उस समय आप ये भी क्लियर कर सकते हैं, पहले उनको बराबर बांटने को दीजिए जो बट जाए, फिर बाद में उनको ऐसा संख्या दीजिए जो नहीं बटे, एक दो बच जाए। तो इससे बच्चे को कॉन्सेप्ट जो होता है क्लियर होते जाता है, क्योंकि दूसरी तीसरी से आप इसको सिखा रहे हैं तो एकदम बेस से शुरू कीजिए इसी तरह। फिर जो आगे कक्षा में अब बच्चा सीख गया भाग करना, उसे समझ में आ गया कि तीन का पहाड़ा क्या है, चार बार पढ़ने से बारह जाता है, कई पहाड़ा है उसमें कई भाग का जो एग्जाम्पल है उनको दीजिए और वो समझेंगे। जैसे 21 को भाग करना है 7 से, तो जब आप समझा चुके हैं तो बच्चे ये सब सवाल जब दीजिएगा, बहुत सारा सवाल देना है, सवाल देना है उनको और उनको हल करने को कहना है, तो बच्चे धीरे धीरे इस सवाल को हल कर लेते हैं। तब उनको अब आगे जो प्रक्रिया होती है, मान लीजिए आपको तीसरी कक्षा में सिखाना है, चौथी कक्षा में सिखाना है, तो थोड़ा सवाल क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और बड़े सवाल आने लगते हैं। तो बिल्कुल उनको समझाइए। चलिए तो हम वैसा सवाल भी देख लेते हैं, क्योंकि ये आसानी से इसको सिखा देने के बाद की बात है। अब हम सीधे क्या करेंगे, भाग का जो साइन हम लोग जो सीखे हुए हैं, जैसे हम करते हैं बच्चों को सिखाएंगे, अब इसको ये बताना है कि यहाँ 246 है, कितना है 246 है और यहाँ कितना है, दो वे लोग हैं। यहाँ 200, अभी तक हमारे पास 12 कंचे थे और दो चार व्यक्ति थे, तो उसको हम बांट दिए, लेकिन अब हमारे पास 246 कंचे और व्यक्ति कितने हैं, दो हैं, तो इसको हम कैसे बांटें। ये चीज भी बताना है कि बाकी प्रक्रिया जो था उसको हम क्या करते थे, इकाई की ओर से करते थे, लेकिन भाग का जो प्रक्रिया है उसको हम किसकी ओर से करते हैं, जो बड़ा रहता है। जैसे यहाँ सैकड़ा बड़ा है तो हम किधर से करेंगे, सैकड़ा से। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ 100 का कितना बंडल है, दो बंडल है। ढाई का कितना बंडल है, चार बंडल है। इकाई कितना है, छह। ठीक है, क्योंकि हमें बांटना है, हम किधर भाग इधर से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें बांटना है तो यहाँ 6 है तो बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ मान लीजिए 3 रहता है तो बांटते इसको एक एक मिल जाता और एक क्या हो जाता, बढ़ जाता। हालांकि एक चीज और बता दूं कि भाग भी इधर से होता है, लेकिन वो बहुत कठिन प्रक्रिया है और लंबी प्रक्रिया है, तो बच्चे को ऐसा काम करना है नहीं उसको समझ जिसमें वो कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा कठिन है। बच्चे सीख जाए तो उनको ये समझा दीजिए कि भाग उधर से होता है, और बाद में आप लोगों को भी मौका मिला तो मैं आप लोगों को उधर से करके दिखाऊंगा कि इकाई की ओर से भी भाग होता है। लेकिन बच्चों को ये सिखाना है कि ये हमारे पास बंडल है, जैसे ये 100 का पैकेट है, मान लीजिए कंचा है तो ये 100 का दो पैकेट है, और 10 का कितना पैकेट है, चार पैकेट है, और इकाई का कितना पैकेट है, खुला कितना है, 6 है। अब इसको हमको दो लोगों में बांटना है, दो लोगों में क्या करना है, बांटना है। तो यहाँ स्पष्ट है, बच्चे से पूछिएगा कि ये दो बंडल है, अब दो व्यक्ति हैं, तो बताओ कि एक व्यक्ति को कितना मिलेगा, इसको बांटिए, तो बच्चा अपने से बता देगा कि एक को कितना मिलेगा, एक मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दिए, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ लिखना होता है लेकिन ये बंडल बनाए हैं इसलिए ऊपर लिख देते हैं कि यहाँ एक लिख दिए, क्योंकि एक बच्चे को कितना मिलेगा, एक मिलेगा, और हमारा पूरा बंडल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जैसे गुणा में जोड़ते थे, बार बार जोड़ना था, इसमें बार बार क्या करना है, घटाना है, यहाँ तो घटा वो चिन्ह लगा, और यहाँ क्या बच गया, तो नहीं बच गया। अब हमारे पास दहाई में क्या है, चार है, दहाई के कितने बंडल है, अब इसको बांटेंगे। ठीक है, अब बांट के भी आप दिखा सकते हैं, ऐसा करके दो व्यक्ति हैं, एक 100 का बंडल इसको दिए, एक 100 का किसको दिए, इसको दिए, अब दहाई में चार है, तो फिर बच्चे को बांटने को लेंगे तो बांट देगा कि दो दो मिलेगा, तो यहाँ क्या मिल गया, दो मिल गया और पूरा बढ़ गया, कुछ बचा नहीं, क्योंकि हमारे पास चार बंडल थे तो चार पूरे बढ़ गया, बचा कुछ नहीं। अब हमारे पे इकाई खुले कितने हैं, 6 हैं, तो इसको जब बांटने को लेंगे तो तीन तीन बच्चे अपने से क्या करेंगे, दो तीन, एक दो तीन बांट लेंगे, तो यहाँ का बचेगा 6। ये सब प्रक्रिया उन्हीं से करा सकते हैं, कुछ नहीं बचते। तो एक एक को कितना मिला, तीन तीन मिला, तीन इकाई मिला। इसमें इस बच्चे को स्पष्ट दिखता है कि सैकड़ा का कितना बंडल मिला, एक बंडल मिला,
दहाई का दो बंडल मिला और इकाई का कितना मिला, तीन पीस मिला। तो देखिए इसमें दिख रहा है उत्तर कितना आ गया, 123। और 123 दिख भी रहा है, देखिए 100, 10, 20 और 21, 22, 23, 123। तो ऐसे इस पर उन्हें दिखता भी है। चलिए अब हम ऐसा सवाल लेते हैं जिसमें भाग नहीं होता। आपके मन में कोई सवाल बन रहे होंगे तो बिल्कुल आप उसको नोट किए रहिए और अंत में आप पूछ लीजिएगा, बिल्कुल बता दिया जाएगा आपको। देखिए 464 को इससे भाग करना है, 4 से भाग करना है, ठीक है। अब मतलब इस बार कितना है हमारे पास बंडल देख लेते हैं, कितना बंडल है, व्यक्ति कितने हैं, 4 है, 4 व्यक्ति हैं। व्यक्ति कितने हैं, 4 है, और 100 का कितना बंडल है, 100 का कितना बंडल है, 4 बंडल है, दिख रहा है। व्यक्ति भी 4 है, बंडल भी क्या है, क्योंकि ये सैकड़ा है ना, तो सैकड़ा कितना बंडल है, 4 बंडल है। तो जब बंडल को बांटने को कहा जाएगा तो निश्चित रूप से सब बांट लेंगे, एक इसको दिए, एक इसको दिए, एक इसको दिए, एक इसको दिए, पूरा बंडल खत्म हो गया। देखिए और सभी को कितना बंडल मिला, एक बंडल मिला। तो यहाँ उत्तर में क्या लिख दिए, एक लिख दिए, ठीक है। अब हम दहाई में आ गए, दहाई में कितना है, 6 है, 6 दहाई का बंडल है। फिर एक क्या किए, इसको दिए, एक इसको दिए, एक इसको दिए, एक इसको दिए। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि दो बंडल क्या हो गया, बच गया, दो बंडल क्या हो गया, बच गया। अब दो बंडल बचा हुआ है, मान लीजिए इस व्यक्ति को अगर एक बंडल देते हैं और एक इसको देते हैं तो दो लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बंडल एक ही चीज का है। मान लीजिए चॉकलेट का है तो चॉकलेट ही है, मान लीजिए कंचा है तो ये कंचा का ही पैकेट है। तो जब हमें आवश्यकता होता है तो हम क्या करते हैं, पैकेट को खोल लेते हैं। जैसे यहाँ पूरा बंडल बच गया, बट गया था, कुछ नहीं बचा। अब हम दहाई को बांट रहे थे तो कितना बचा, 4 बचा, और दो बंडल क्या बच गया हमारे, दो बंडल हमारे क्या बच गए, ठीक है। तो दो बंडल को हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ 4 भी है, 4 क्या है, इकाई है, इकाई कितना है, 4 है, और दो बंडल दहाई के बचे हुए, तो बंडल को क्या करेंगे, हम खोल देंगे, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, खोल देंगे। तो जब दो बंडल आप खोलिएगा तो एक बंडल में 10 होता है तो दो बंडल में क्या हो गया, 20 हो गया, और पहले से कितना था, 1, 2, 3, 4, तो कितना हो गया, कितना हो गया, 24, कितना हो गया, 24 हो गया। और 20 को जब कितना लोगों में बांटना है, 4 लोगों में बांटना है, सब बांट लेंगे, निश्चित सब बांट लेंगे आराम से, कितना कितना मिल जाएगा, 6-6 मिल जाएगा। तो इससे स्पष्ट हो जाता है, बच्चों को ये समझ में आ जाता है कि हम बंडल क्यों खोले और कैसे बांटे। तो जब नहीं बचते रहेगा तो हम क्या करेंगे, बंडल को खोल देंगे, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। फिर धीरे से आप प्रक्रिया, फिर बाद में जब ऐसा बच्चा समझ जाता है, उसे बंडल बनाकर बांटना सिखा देते हैं बराबर बराबर, इसको गतिविधि भी करा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बच्चे उपलब्ध नहीं, इसलिए तो इसको गति भी आप करा सकते हैं। पैकेट बना लीजिए 100 का और उनको बांट के दिखा दीजिए, तो ये 464 बांटना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 100 का 4 बंडल बनाना है, 6 दहाई का 6 बनाना है, उसका इकाई का 4, और 4 बच्चों को बुलाकर उनको बांट के दिखा दीजिए, वो बच्चे गिन के खुद बता देंगे कितना मिला। तो ये बहुत ही आसान होता है, और बच्चे जब इसको समझ जाए तब उनको आप क्या कीजिए, पहाड़ा के माध्यम से जैसे भाष्य करते हैं उसमें जाइए, क्योंकि बच्चे को भी ये समझ में आ जाता है कि जब हमारा काम आसानी से हो रहा है तो हम वही काम करेंगे ना बार बार। देखिए इतना प्रक्रिया करने से क्या होता है, बहुत समय लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो बच्चे को वो जो मेथड है कि यहाँ ये हो जाता है, माइनस करते हैं, घटाते हैं, फिर 2 उतरता है, 4 उतरता है, जो बात है वो भाग का नियम जो है, तो वो सब बाद में उसको समझाएंगे तो उसको स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि हम शुरुआत किए हैं, बार बार घटाना से हम शुरू किए थे और कहाँ पहुंचे हैं, अभी यहाँ तक पहुंच चुके। इसके बाद जब आप पहाड़ा के माध्यम से बताएंगे तब भी बच्चा क्या हो जाएगा, समझ जाएगा। जैसे ये बच्चे को अब ये बताइए, जब बच्चे ये सब समझ गया है तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि यहाँ 4 है और यहाँ 4 है, ठीक है, मतलब 4 व्यक्ति हैं
अच्छा सर, बाकी ये तो या तो चार का पहाड़ी है, तुम पहाड़ा देखिए कि चार का पहाड़ा में चार आता है क्या, तो चार का पहाड़ा में चार आता है, कितने बार में आता है, एक बार में तो एक यहाँ लिख दिया और चार यहाँ लिख के बता दिए, अब यहाँ छह, तो चार का पहाड़ा दिखाइए, चार का पहाड़ा में छह आता है क्या, नहीं आता, तो उसके जगह हम क्या लिखते हैं, चार लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपके पास छह चॉकलेट है और व्यक्ति कितने, चार है, तो आप क्या करेंगे, चार ही बांट पाएंगे, आठ तो नहीं बांट सकते, क्योंकि चार के बाद क्या आता है पहाड़ा में, आठ आता है, क्योंकि आठ क्या है, छह से ज्यादा है, जब आपके पास छह चॉकलेट है तो आठ चॉकलेट कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसीलिए छह से क्या करना पड़ेगा, कम लिखना पड़ेगा, ये सब अलग बात है, वो जब बच्चा समझ जाता है उसके बाद की बात है, तो इस तरह जब बच्चे को ये समझ में जाता है तो बच्चा क्या करता है, बात को भी सीख जाता है। तो लगभग जो भी कॉन्सेप्ट था आज का क्लियर करने की कोशिश किया हूँ, अगर अभी आप लोगों को कुछ भी सवाल है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं सीधे देवाशीष सर के पास चलूंगा। बहुत अच्छे से आपने बताया सर, भाग कैसे घटाकर बार बार घटाकर निकाल सकते हैं, उसके साथ ही कैसे हम बंडल का कॉन्सेप्ट को आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं दहाई में, तो इन सारे चीजें, बहुत सारी चीजें स्पष्ट हुई हैं कि भाग की संक्रिया को हम कैसे बच्चों के लिए आसान बना सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि थोड़ा अभ्यास हमारे ज्ञानदूत साथी भी इसके ऊपर करें, थोड़ा अभ्यास पहले स्वयं करें, अपने अंदर अवधारणा, बंडल की अवधारणा कैसे सरलता से बच्चों को समझाएंगे इस विषय को अपने अंदर स्पष्ट कर लें, और उसके बाद बच्चों के साथ इसका प्रयोग करें, तो इससे उनको रिजल्ट पता चलते जाएगा। और गुणा और भाग ऐसे चीज हैं जो कि समझ में आधार है गणित का, और इसके अभाव में हमारे बच्चे आगे कई बार ढंग से नहीं बढ़ पाते, तो इसलिए इस पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि गुणा के और भाग के कॉन्सेप्ट में कहीं भी बच्चों को कोई भी कमी नहीं रह जाए। इसके लिए जो भी प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में उठ रहे हो आप उसे खुलकर आलोक सर से पूछिए, सर हमारे साथ अभी उपलब्ध है, 10 मिनट का समय और है हमारे पास। जी बिल्कुल, अगर किन्हीं के मन में भी सवाल है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, ये थोड़ा सा अगर दिक्कत हुआ होगा समझने में तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी कभी कैमरा ठीक से नहीं दिख पाता तो उसमें भी समझ में नहीं आता, और अगर ऑफलाइन ट्रेनिंग होता है तो कुछ अच्छे से और बताने बनता है, क्योंकि हमारे सामने साथी भी होते हैं तो उनका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ये सब गतिविधि अगर बच्चों के साथ आप करेंगे तो बच्चों को इन्वॉल्व कीजिएगा इसमें, तो आसानी से आपको बनाना भी आसान हो जाएगा और बच्चे को समझना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि बच्चे स्वयं से करके देखेंगे, जैसे अभी आप हमारे सामने होते तो ये सब गतिविधि आपके द्वारा ही कराया जाता, और हम लोग ज्यादा आपको बोलते नहीं, बस आप करते और आपको समझ में आते जाता, क्योंकि शिक्षक भी होते हैं जो सबका अलग अलग समझाने का तरीका होता है, तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद हो सकता है कि आप अपनी बात अलग रखें, जितने भी ज्ञानदूत साथी जुड़े हुए हैं हो सकता है कि एक ज्ञानदूत साथी दूसरे तरीके से बताए और दूसरा दूसरे तरीके से बताए, लेकिन क्या है कॉन्सेप्ट बच्चे तक वही पहुंचेगा, तो अगर किसी भी प्रकार का सवाल है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। हेलो सर, जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, जी मैडम बोलिए। मुझे लगता है ना सर, इससे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, बहुत लंबा जा रहा है, बंडल को खोलना फिर उसे गिनना, मुझे लगता है बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। नहीं तो ये सारी प्रक्रियाएं आप लोगों को क्या किया गया, एक दिन में बताया गया, क्योंकि आप जब जाएंगे पढ़ाने के लिए फील्ड में, आप जब जाएंगे तो ये सब जरूरत आपको पड़ेगा, ये सब प्रक्रिया एक ही दिन का नहीं है कि एक ही दिन में आप पूरा सैकड़े तक पहुंचा दिए हैं और बंडल और बनाना सिखा दिए, बंडल को खोलना सिखा दिए, तो ये सब एक दिन का काम नहीं है, आप इसलिए क्या बताया गया कि स्थानीय मान से शुरू करना है, स्थानीय मान, क्योंकि बंडल की जो बात है ये बंडल खोलना बनाना ये बच्चे उसी समय सीख जाएंगे जब आप उनको क्या पढ़ा रहे हैं, स्थानीय मान सिखा रहे हैं, और जब तक आप स्थानीय मान अच्छे से नहीं सिखाए तो आप आगे जाएंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, बच्चा उसको नहीं समझ पाएगा, और जैसे क्योंकि ये तो जोड़ और घटाओ की बात की प्रक्रिया है, तो बंडल का काम वो किसमें कर रहा है, वो जोड़ और घटाओ में भी कर रहा है, फिर गुणा में भी कर रहा है, फिर किसमें कर रहा है, भाग में कर रहा है, और बच्चे को बंडल आप बंडल से दिखाइए, उसको बंडल के मदद से सिखाएंगे तो उनका जो कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि
बहुत बच्चे भाग भी कर लेते हैं और गुणा भी कर लेते हैं आसानी से। निश्चित रूप से गतिविधि जो था वो थोड़ा सा क्या होता है कठिन लगता है, लेकिन गतिविधि से बच्चे को मन में जो सवाल उत्पन्न होते हैं वो सब क्लियर हो जाते हैं। यहाँ भाई जैसे मान लीजिए 6 दहाई था और 4 दहाई उसमें खड़ा दिए, 2 दहाई बच गया या तो 2 बंडल हमारे पास बचे तो उसको खोल के फिर हम इकाई के तरफ कर लिया और बांट के दिखाए। तो ये सब आप 1-2 बार बांट के खुद से दिखाइए बच्चों को कि ऐसे ऐसे बांटना, और बच्चे की मदद लीजिए उसमें, तो बच्चा आपका साथ जब देगा तो उसको भी ये समझ होते जाएगा। और क्लियर करना, स्थानीय मान क्लियर करना बहुत जरूरी है। और जो कठिन प्रक्रिया बोलते हैं ये बहुत आसान प्रक्रिया है मैडम, क्योंकि हम लोग स्कूल में काम करते हैं तो बच्चे इस माध्यम से सभी बच्चे सीखते हैं। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट भाग करना सिखा रहे हैं तो कुछ विशेष बच्चे जो तेज बच्चे होते हैं वो सीख जाते हैं, और जो थोड़ा हमें ऐसा लगता है कि जो अक्सर स्तर के बच्चे हैं वो नहीं समझ पाते क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता। तो कोई भी कार्य आप गणित में कर रहे हैं तो शुरू से आइए, और स्थानीय मान को बार बार बोला जाता है, प्लेस वैल्यू जो है बच्चों को स्पष्ट कीजिए, तभी आप आगे जो जोड़ घटाव गुणा भाग सिखा सकते हैं, नहीं तो उनको समझने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि ये सब जो बातें हैं, आप बहुत लोग गणित लेकर ये रहते हैं 11-12 में गणित रहता है, उनसे भी पूछेगा तो ये सब कॉन्सेप्ट नहीं जानते, भाग करने तो जानते हैं लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या है ये नहीं बता पाते किसी को। तो आप कोशिश करके देखिए, और दिक्कत होती है तो बताइए, और आसान तरीका आप लोगों को बताया जाएगा बंडल के अलावा भी। और किसी के मन में सवाल है? हेलो जी, जी बोलिए सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। तो पहाड़ा बच्चों को कैसे इजी तरीके से सिखाया जाएगा, क्योंकि गुणा भाग करने के लिए बड़े संख्या को पहाड़ा से ही करना पड़ेगा, तो बड़े बच्चों को पहाड़ा कैसे याद दिलाएं? देखते हैं बच्चों को ना बोर लगता है पहाड़ा याद करना, बहुत बड़ा काम लगता है। जी तो देखिए, जैसे आप शुरू करती हैं 2 का पहाड़ा से शुरू करती हैं, तो उनके कंचे का मदद इसमें भी ले सकती हैं, या तो उनको जोड़ना आता है जैसे मैं बताया गया। गुणा क्या है, पहाड़ा क्या है, गुणा ही तो है कि 2 का पहले किससे गुणा करते हैं, 1 से करते हैं, फिर 2 का किससे करते हैं, 2 से करते हैं। तो उनको कंचा से दिखा दीजिए कि 2 को 1 बार लिए तो 2 आया, फिर 2 कंचा 2 बार लिए तो कितना आया, 4 आया, 2 कंचा 3 बार लिए तो कितना आया, 6 आया, 2 कंचा 4 बार लिए तो कितना आया, 8 आया। इस तरह 2 का पहाड़ा हो गया, 3 का पहाड़ा हो गया। जब 11-12 में आ गए तब तक बच्चे ये समझ जा रहते हैं कि, क्योंकि 9 तक अगर पहाड़ा आप सिखा देंगे तब तो आपका समझिए पूरा ही गुणा क्या हो गया, पूरा पहाड़ा बच्चे सीख गए, उनको फिर सिखाने की आवश्यकता नहीं। 12 का पहाड़ा जैसे पढ़ना है तो 12 का गुणा किससे कर देना है, 1 से कर देना है, तो बच्चे को गुणा भी सीख गया क्योंकि 1 अंकों का गुणा तो सीख चुका है बच्चा, तो 1 2 2 1 1 1 तो 12। तो इस तरह गुणा कर करके भी बच्चा बना सकता है, जोड़ जोड़ कर भी बना सकता है कि जैसे 2 का पहाड़ा लिखा है तो 2 लिख लिया, फिर 2 में 2 जोड़ दिए तो 4, फिर 4 में 2 जोड़ दिए तो 6, फिर 6 में 2 जोड़ दिए तो 8। लेकिन पहाड़ा तो लिखना हमारा सिखाना उद्देश्य नहीं, पहाड़ा याद अगर बच्चों को हो जाता है तो आसान है, लेकिन ऐसे वो पहाड़ा बना सकता है। तो पहाड़ा बनाना बहुत कठिन नहीं है, बहुत सी प्रक्रिया भी होती है, जैसे 9 का पहाड़ा है और 11 का पहाड़ा है, तो ये सब अलग अलग तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है कि 9 का पहाड़ा लिखना है तो 9 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, ऐसे करते हुए आइए, इधर से उल्टा ऊपर ऊपर चल जाइए तो 9 का पहाड़ा तैयार हो जाता है। तो ये बहुत कठिन नहीं है पहाड़ा बनाना बच्चों के लिए, अधिकतर बच्चे जोड़ जोड़ कर ही पहाड़ा बना लेते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि 9 तक पहाड़ा बच्चा याद कर ले। और कौन बच्चा याद कर सकता है, जो अंकों को पहचान रहा है, क्योंकि पहाड़ा तो बच्चे बहुत लोग याद भी कर लेते हैं लेकिन जो शुरू से बात आ रहा है कि गिनती 100 तक भी बोल लेते हैं लेकिन 55 अगर बोल दिया जाए तो 55 लिख ही नहीं पाएंगे। तो उसी तरह अगर पहाड़ा याद तो कर लिए लेकिन वो अंकों को नहीं पहचान रहे, संख्याओं को नहीं पहचान रहे, तो वो पहाड़ा भी याद करने को मतलब नहीं। इसलिए जो शुरू से काम किया जाता है उसी समय से अच्छे से काम करना है। बच्चा जब तक वो नहीं सीखता आगे मत जाइए, बच्चे को जो कॉन्सेप्ट आप सिखा रहे हैं पहले उसको क्लियर कर लीजिए कि बच्चे को वो आ चुका है। अगर उसको गिनती सिखा रहे हैं तो ये क्लियर कर लीजिए कि गिनती वो बोल लेता है, वो संख्या को पहचान भी लेता है, संख्या का नाम लिख लेता है, वो संख्या को ढूंढ लेता है, पूरी तरह से वो 1 से 100 तक सीख गया है, तभी आप उसके साथ आगे का कार्य कीजिए, नहीं तो आगे आप जाएंगे तो कोई मतलब नहीं। तो पहाड़ा लिखने के भी बहुत तरीके हैं, तो जोड़ जोड़ के जैसा मैं बताया वैसा भी कर सकते हैं। और किसी के मन में सवाल हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि हमारा समय लगभग खत्म हो रहा है।
बहुत अच्छे से आपने बताया है सर। तो इसमें फाउंडेशनल लर्निंग की जो किताब बनाई गई है, जो पीडीएफ आपको दिया गया है, उसको अगर आप सिलसिलेवार ढंग से पढ़ेंगे और उसके अनुसार आराम से बच्चों के साथ काम करेंगे तो बच्चे सरलता से सीखेंगे। और गुणा और भाग जो कि लगभग 1 साल का कॉन्सेप्ट है बच्चों के लिए, वो आपको 1 घंटे में आज दिया गया है, तो उसमें समय लगेगा, उसको हमको प्रयास करना पड़ेगा और उसके अनुसार हमको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और कोई क्विक सवाल हो तो प्लीज कोई पूछे। बिल्कुल, सर का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि एक दिन में गुणा नहीं सिखाया जा सकता है और भाग भी नहीं सिखाया जा सकता है। जैसे आप काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों के लिए था, क्योंकि हमारा तो 2-2 घंटा 3-3 घंटा का जो क्लास था, उस क्लास में पूरा पहली से 5वीं तक जितना भी कोर्स है, गुणा है, भाग है, जोड़ है, घटाव, उसको क्लियर करना था, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बताया गया। लेकिन आप बच्चों के साथ काम करेंगे तो उनका अलग सीखने का वो स्तर होता है, आप उसके हिसाब से काम करेंगे, तो आप इन सब गतिविधियों का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे बिल्कुल सीखेंगे। और अगर दिक्कत होता है, बिल्कुल हम लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप हमसे बात कीजिएगा तो हम नए तरीके भी बताएंगे जिससे बच्चों को सिखाना आसान हो जाएगा। अगर कोई सवाल है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, नहीं तो सर, फिर सीधे हम दिवाई। जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। सर मुझे लास्ट क्वेश्चन बताइए कि अगर बच्चों को गुणा, भाग, जोड़, घटाओ ये दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करें, उसको उनके भाषा में कैसे बताएं? बिल्कुल, देखिए जोड़ घटाव गुणा भाग सब हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन यूज होते हैं, तो ये जो उनके जीवन में यूज होते हैं हमारे